हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 28 और ये आप हम पढ़ रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। तो चलिए देखते हैं फ्लैडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पे फ्लैडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली के महत्व की विवेचना करनी है। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, फ्लैडर्स दस वर्ग प्रणाली में फ्लैडर्स ने अपने शिक्षण प्रतिमान में कक्षा में होने वाली सभी शाब्दिक व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है, जो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, जिसमें उसके 10 वर्ग जो प्रणाली थी उसमें उसने जो 10 नियम बताए वो कौन कौन से, चलिए एक बार दोहरा लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्लैडर्स के जो 10 वर्ग प्रणाली के अंतर्गत जो 10 पॉइंट आते हैं उसको हम एक बार देखते हैं। छात्रों की अनुमति स्वीकार करना नंबर 1 है, और दूसरा है आपका प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला था कि छात्रों की अनुभूति स्वीकार करना, अनुभूति के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं आती हैं कि छात्र का जिस कक्षा कक्ष में आप शिक्षण करने जा रहे हैं वहाँ पे छात्र की मनोवैज्ञानिक दशा क्या है, क्या वो कक्षा में शिक्षण कार्य में सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब कहने का सेंस यह है कि वो उनकी जो भावना है कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए, क्या वो अधिगम कार्य करने के लिए तैयार हैं, या फिर आपको उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कक्षा शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है आपकी छात्रों की अनुभूति स्वीकार करना। नंबर 2 था प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। छात्रों को शिक्षक के द्वारा उनके अच्छे अनुक्रियाओं के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, गुड, वेरी गुड, इस तरह का। और नंबर 3 था छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। छात्र अपने पाठ्य वस्तु से संबंधित जो भी विचार प्रकट कर रहा है शिक्षक के द्वारा उसे सुनना और समझना चाहिए, और जो भी उसमें त्रुटियाँ रहें उसको दूर करना चाहिए। और 4 था प्रश्न पूछना। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे छात्रों का जो ध्यान है वो इधर उधर ना होकर के अपने पाठ्य वस्तु पर हो। और नंबर 5 था व्याख्यान देना। शिक्षक को जब भी अपने शिक्षण कार्य को शुरू करना चाहिए तो शिक्षक को ये चाहिए कि जिससे बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को एकजुट कर पाए, तो उसके लिए शिक्षक को कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक, जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा है उसमें उसे व्याख्यान विधि के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहिए। और 6 था निर्देश देना। शिक्षक को बच्चों को जब वो अध्ययन कार्य समाप्त कर ले तो उन्हें निर्देश देना चाहिए जिस विषय से संबंधित जो भी कार्य उन्हें करना है। अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं तो उसमें सस्वर वाचन कराना जैसे कार्य होते हैं, और अपने कार्य को दिखाने का कार्य, या अपना नाम बताओ या किताब खोलो, इस तरह से शिक्षक को निर्देश भी देते रहना चाहिए। आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना। शिक्षक को अपने छात्रों की गलत कार्यों के लिए आलोचना भी करनी चाहिए, जिससे उन्हें ये रियलाइज हो कि वो कुछ गलत कह रहे थे या कर रहे थे। और ये अधिकार भी दिखाना चाहिए जब वो कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो उनको डांट भी सकें। और छात्र कथन अनुक्रिया नंबर 8 था, हमने देखा था छात्र कथन अनुक्रिया के अंतर्गत छात्र जो भी कह रहा है वो शिक्षक को सुनना चाहिए और उसके प्रति जो भी उनकी अनुक्रियाएं हैं वो करना चाहिए। और छात्र कथन स्वोपक्रम 9 था, हम पढ़े थे फ्लैडर्स की 10 वर्ग प्रणाली में, तो 9 था छात्र कथन स्वोपक्रम, जिसके अंतर्गत छात्र के द्वारा कहे गए
चीज़ों को या उसके द्वारा दिए गए उत्तर को अस्पष्ट करते हुए उसमें जो भी त्रुटियां रहे उसका उपचार करना चाहिए शिक्षक के द्वारा। और नंबर 10 था इसमें मौन या शांत। कभी कभी कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों ही मौन हो जाते हैं जब किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के द्वारा शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षण कार्य प्रदान करता है, तो उस समय क्लास का जो एटमॉस्फियर है इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही मनन चिंतन करने लगते हैं। तो ये होता है फ्लैडर्स की 10 वर्ग प्रणाली की, जो 10ों पॉइंट थे वो हम देखें। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो 10 प्रणाली के जो महत्व हैं वो किस तरह से हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे शिक्षक के व्यवहार के द्वारा, शिक्षक के शिक्षण कार्य द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो एक क्रम में निर्धारित होती हैं, वो एक प्रोग्राम के थ्रू, एक निश्चित नियोजन योजना के थ्रू वो अपने शिक्षण को बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, और जिससे वो एक दूसरे से अंतःक्रिया भी करते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण से अभिप्राय यह है कि कक्षा में घटने वाली प्रत्येक घटना को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था करना और प्रत्येक घटना का विश्लेषण करना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अंतःक्रिया का ये मतलब होता है कि जो भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, कहने का सेंस ये है कि जो भी बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है तो उसको शिक्षक के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन करना जिससे उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने। यह विधि कक्षा में होने वाली प्रत्येक घटना का लेखा जोखा करती है। लेखा जोखा का क्या मतलब है? यहाँ पे जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शिक्षक और छात्र के द्वारा हो रही हैं वो सभी क्रियाओं का यहाँ पे एक क्रम निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से शिक्षण कार्य में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको निश्चित दिशा दी जाए। शिक्षण एवं अधिगम अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रमुख महत्व निम्नलिखित रूप में बताए जा सकते हैं। चलिए महत्व देखते हैं। नंबर 1 है यह विश्लेषण शिक्षकों और अध्यापकों को पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। छात्र अध्यापकों को पर्यवेक्षित करने वाले शिक्षक इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रणाली है यह विश्लेषण शिक्षकों और छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। कहने का सेंस ये है, आप आज एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के रूप में अपने शिक्षण कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कल जब एक आप अध्यापक और अध्यापिका के रूप में कार्य करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने वाला कोई और है, लेकिन वहाँ पे आप एक खुद ऑब्जर्वर बन जाएंगे। आप अपने छात्रों का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो किस हद तक अधिगम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। नंबर 2, यह प्रणाली शिक्षण का सम्प्रत्यय स्पष्ट करती है जिससे शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण कार्य और भी ज़्यादा प्रभावशाली और रुचिकर बनता है जिससे जो भी कमियां या त्रुटियां रहती हैं उसे शिक्षक दूर करके अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावशाली बनाता है। नंबर 3 है कक्षा में सामाजिक संवेगात्मक वातावरण को मापने के लिए ये प्रभावी प्रणाली है। सामाजिक और संवेगात्मक दोनों ही तरह के वातावरण को ये ऑब्जर्व करता है ये प्रणाली, और उसमें एक प्रभावशाली वातावरण क्रिएट करता है। नंबर 4 है यदि कोई प्रेक्षक कक्षा में उपस्थित नहीं है तो मैट्रिक की सहायता से पूरी कक्षा में हुई अंतःक्रिया की तस्वीरें खींची जा सकती हैं। क्लियर। नंबर 5 देखते हैं। यह विधि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए लाभकारी है। नंबर 6 है यह विधि कक्षा कक्ष शिक्षण के निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है। नंबर 7 हम देखते हैं। इस प्रणाली में शिक्षक के शिक्षण का विश्लेषण किया जाता है।
जिससे शिक्षक अपना मूल्यांकन कर अपने गुण दोषों की जानकारी प्राप्त कर अपने दोषों को दूर करने में समर्थ हो सके। इस प्रणाली के अंतर्गत जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है उसे अपने गुण दोष की जानकारी हो जाती है और उस गुण दोष में वो गुण को तो नहीं हटाता लेकिन दोष को दूर करने का प्रयत्न करता, जिससे उसका जो शिक्षण कार्य है वो और प्रभावशाली बने और इम्प्रेसिव बने। नंबर 8 है, इसमें पृष्ठ पोषण की व्यवस्था होती है। पृष्ठ पोषण का मतलब क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक में जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो उसमें जो उसकी कमियां रहती हैं उस कमियों को नेक्स्ट शिक्षण कार्य में वो सुधारने का प्रयास करता है या उस कमियों में वो फिर से अपने आप को अच्छे से प्रभावशाली बनाने के लिए कमियों को दूर करते हुए फिर से शिक्षण कार्य के माध्यम से अपने पाठ्य वस्तु को प्रभावशाली बनाते हुए शिक्षण कार्य करता है। नंबर 9 देखते हैं, यह विधि अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित है। शिक्षक वार्ता पर केंद्रित है यह विधि। नंबर हम देखते हैं 10, अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण में यह विधि बहुत लाभकारी है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं, इस विधि का अनुसरण किया जाता है क्योंकि माइक्रो टीचिंग से ही हम अपना शिक्षण कार्य करना आरंभ करते हैं। आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, आपके क्लास में माइक्रो टीचिंग के थ्रू ये बताने का प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षण को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाता है, किस वे में आप क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे आपसे इम्प्रेस हों और बच्चों का मन क्लास में लगे। नंबर 11 है आपका, यह वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधि है। नंबर 12 देखते हैं, यह विभिन्न शोध कार्यों में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। यह विधि आपके शोध कार्यों में भी लाभकारी सिद्ध हुई है। नंबर 13 है, शिक्षण के स्वतंत्र तथा आश्रित चरों की व्याख्या तथा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन इस प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। शिक्षण के स्वतंत्र तथा आश्रित चरों की व्याख्या, यहाँ पे शिक्षण कार्य में जब भी कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वो स्वतंत्र होता है अपने शिक्षण कार्य के लिए और उससे रिलेटेड जो भी शिक्षण कार्य के दौरान साधन उपयुक्त होते हैं वो अपने शिक्षण कार्य में यूज करता है। नंबर 14 है आपका, कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन की यह एक विश्वसनीय प्रणाली है। जब एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है तो उस समय अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए ये इस विधि का यूज कर सकता है क्योंकि यह एक विश्वसनीय प्रणाली है। और दूसरी बात, ये एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधि पर आधारित प्रणाली है जिसकी वजह से इसका जो तर्क की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से छात्र चिंतन मनन और विचार करके तर्कों के माध्यम से इस विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करते हैं और जिसकी वजह से अधिगम अच्छा होता है। तो शिक्षक भी इस चीज़ को समझता है और इस विधि के का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।